want justice. We 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 आज हम यहाँ इस बात के लिए खड़ा है कि पत्रा नर्सिंग करने वाली जो लड़कियाँ हैं, मेरे पीछे जितने भी लड़कियाँ खड़ी है, कुछ लोग तो अभी नहीं आ पाई, लेकिन हमारा आज का ये फाइट इसलिए है कि इनको थर्ड ईयर में पहुंच गया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर का स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिला। हमारा सरकार से ये सवाल है, इस बीच अगर दो साल इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, जो कि साल में इनको 25,000 मिलता है, आज सिर्फ लद्दाखी लड़कियों के साथ क्यों हो रहा है? हमारा प्रोटेस्ट का ये मकसद ये है कि आज हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, हो सकता है हमारे साथ थर्ड ईयर भी ये हो, सिर्फ लद्दाखी लड़कियों के साथ ऐसे क्यों? अब रही बात गलती किसका है, हम गए थे भद्रा नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन वहाँ जाता तो कहता है कि हमारा कोई गलती नहीं है। फर्स्ट ईयर में कोई गलती नहीं था, लेकिन ट्राइबल ऑफिस में किया, हमें इस बात का गर्व था कि यूटी मिलने के बाद बिल्कुल हमारे साथ जो भी होगा जायज होगा, लेकिन जब हम ट्राइबल ऑफिस में गया तो अभी हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि अभी तक सोए कहाँ थे। पेंडेमिक सिचुएशन आने से पहले हम 2 महीना चक्कर लगा चुका है, वो भी ट्राइबल ऑफिस का। जब हम चक्कर लगाने गया तब बोलता है यूटी हो गया, अब हम लोग को मत बोलो। क्या ये उनसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? हमारा लोकसभा जो है, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खड़ा है, क्या वो यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है? दूसरी बात यह है कि दूसरा साल का जो है कॉलेज भद्रा नर्सिंग कॉलेज वालों ने इतना नेग्लिजेंस मारा है हमारी लड़कियों को, वहां से बिल्कुल वेरीफाई हुआ नहीं है फॉर्म, और ट्राइबल ऑफिस में पूछा दिया। जब हम वहां गया तो हमने सवाल किया इनको अभी तक स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रहा है, 2 साल से क्यों, आखिर क्यों यह तीसरा साल में पहुंच गया? हो सकता है ये भी पेंडेमिक रहे तो 3 साल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा सवाल ये है सरकार से, सरकार हमेशा स्कॉलरशिप सभी को मिलता है, सबका हक है। आज अगर रही बात सिर्फ लद्दाखी लड़कियों की बात नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियां के साथ हो रहा है जो आवाज़ नहीं उठा पा रही है, जो अपने घर में बैठे है, क्यों? क्योंकि वो सोच रही है मैं नहीं बोलूंगा, वो शर्मा रही है। हमारा सवाल ये है ट्राइबल ऑफिस से भी है, भद्रा नर्सिंग कॉलेज वाले से भी है, कि लद्दाखी लड़कियों को नेग्लिजेंस क्यों? सरकार ने क्या सभी को हक नहीं दिया? हमें वो हक चाहिए हर हालत में। अगर आप इस लेवल में रिसर्च नहीं करोगे, क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिला, कहीं को नहीं मिला, हमारा यही उम्मीद है कि भद्रा नर्सिंग कॉलेज वाले से भी, साथ ही साथ ट्राइबल ऑफिस वाले से भी, कि 2 साल का जो स्कॉलरशिप है वहाँ पे जांच पड़ताल होकर इन्हें मिले, इनका हक मिले। हम जायज मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे, हमारा जस्टिस है, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। उनका काम है कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आखिर वो फंड गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया, कि जाता कहाँ है, बच्चे को नहीं मिलता है तो फंड जाता कहाँ है? वो लोग शिकायत करे और हमें हमारा हक मिले।